नमस्कार दोस्तों, आज हम इस पाम का एनालिसिस करेंगे। देखते हैं इस पाम में क्या खासियत है। पहली नज़र में देखे तो ये पाम स्क्वेरिश प्लस रेक्टेंगल भी है, तो मेहनत प्लस मेहनती स्वभाव की ओर इशारा कर रही है। अभी ये जो मुझे जो जानकारी इन्होंने दी है कि मैं डिफेंस क्षेत्र में हूँ, तो डिफेंस वालों के जैसा मंगल होना चाहिए वैसा नहीं है, और उस तरह का पाम भी उस तरह का शो नहीं कर रहा है एज पर पामिस्ट्री के हिसाब से। और उंगलियां भी अच्छी खासी लंबी है, तो ये भी उस तरफ इशारा नहीं करती। ये कंप्लीट एनालिटिक पर्सनालिटी लग रही है, और इनके फर्स्ट फैलेंज भी बहुत बड़े हैं, तो ऐसे व्यक्ति काफ़ी एनालिटिक होते हैं। कोई प्रोजेक्ट इनके हाथ में दे दो तो उसका प्लस माइनस अच्छा खासा ये निकाल कर दे सकते हैं। और इतनी उंगलियां बड़ी, ये भी बहुत विचारशील व्यक्तित्व की ओर इशारा कर रहे हैं, यानी एक बुद्धिजीवी व्यक्तित्व ज्यादा इस पाम पर दिख रहा है। अब चलते हैं इनके छोटी उंगली की ओर। छोटी उंगली थोड़ी सी कम रह रही है, तो कम्युनिकेशन, डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीजों को याद रखना, ये सब चीजों में थोड़े से कमजोर हो सकते हैं, मामूली से। अंगूठा इतना सशक्त नहीं है, तो व्यक्तित्व नॉर्मल होगा इनका। अब बुध पर्वत, बुध पर्वत काफी उभरा हुआ है, तो इनकी वाणी काफी अच्छी होती है, व्यक्ति में सुंदरता भी ये देता है। ये सारे गुण इनमें होते हैं, और बिजनेस एक्यूमेन भी इनमें अच्छा खासा होता है। बिजनेस एक्यूमेन तो एक और चीज से दिखता है, एक हल्की हल्की लाइनों से एक टूट टूट कर एक शुक्र वलय बन रहा है, तो ये भी उस तरफ इशारा कर रहा है कि एक्स्ट्रा मनी कमाने में या एक्स्ट्रा वर्क करके पैसा कमाने में इनका ध्यान लगा रहेगा। अब बुध पर्वत से ज़्यादा इनके सूर्य पर्वत पर बहुत सारी साइन है। एक तो फिश साइन यहाँ बन रही है। इस तरह की साइन व्यक्ति को इंटरनेशनल लेवल से पैसा भी कमाने में हेल्प करती है, प्लस व्यक्ति राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ख्याति भी प्राप्त करता है, तो ये भी साइन इनके डिफेंस क्षेत्र के अंदर। अब कौन से क्षेत्र में, कौन से डिफेंस में, कौन सी क्षेत्र में ये काम करते हैं उसका जानकारी नहीं है, यानी हाँ इन्होंने बताया भी था कि मैं सिपाही हूं, तो ये सिपाही के तौर पर ये साइन का मुझे औचित्य पता नहीं चल रहा, पर ये क्लियर कट साइन है, इसका फल इनको जीवन में मिलने ही वाला है। एक और ऐसी साइन है जो ये इतना बड़ा स्क्वायर बनता है, तो इसका मतलब भी ये होता है कि व्यक्ति को बहुत बड़ा मल्टी सिटी काम जीवन में मिल सकता है, मल्टी सिटी फैला हुआ काम, और ये इतना बड़ा स्क्वायर तो बहुत बड़ा फैला हुआ काम व्यक्ति को जीवन में देता है, तो एक ये चीज भी है इनके जीवन में। एक छोटा सा ट्रायंगल भी यहां बन रहा है, तो ये भी व्यक्ति के जीवन में व्यक्ति की हर इच्छाएं पूरी करने के अंदर साथ देता है ये ट्रायंगल भी। और सरकारी जॉब में है तो सूर्य रेखा अच्छी खासी इनकी आगे बढ़ रही है, और ये रेखा इस तरह से जा रही है, तो सरकारी क्षेत्र के इनको लाभ मिल रहे। अब एक स्क्वायर ऐसा भी है जो इनको प्रॉपर्टी का लाभ देगा, मल्टीपल प्रॉपर्टी का लाभ व्यक्ति को मिलता है इस स्क्वायर के कारण, हृदय रेखा और धन रेखा को मिलाकर जो बनता है। अब इनके शनि पर्वत पर चलते हैं। शनि पर्वत पर भी देखे तो बहुत सारे रेखाएं यहाँ पर चल रही है, तो ये भी मनी रिसीविंग एंटेना का काम करती है, और ये जो लाइनें चल रही है सूर्य पर्वत की ओर जा रही है, तो ये भी विदेश से धन प्राप्ति की ओर इशारा कर रही है। तो सभी लाइनें विदेश से धन प्राप्ति की ओर इशारा कर रही है, और आम सिपाही के व्यक्ति के जीवन में इतना धन नहीं होता, पर इनकी पाम पर धन दिख रहा है, तो ये इनका जीवन किस ओर जाएगा आगे पता नहीं, पर इनके पाम पर इस तरह की साइन दिख रही है एक्स्ट्रा धन की। अब इनके गुरु पर्वत को देखिए, गुरु पर्वत अच्छा खासा उभरा हुआ है और अपने आप में उभरा हुआ है, तो ऐसे लोगों को पारिवारिक सुख बहुत अच्छा मिलता है, भरा भरा परिवार मिलता है, संपन्न होता है परिवार, और खाने पीने के शौकीन होते हैं, अच्छा खाना इनका शौक होता है, इस तरह का नेचर इनका होता है। अब इनका अंदरूनी मंगल,
अंदरूनी मंगल है तो बड़ा, पर दबाने से अगर दबता नहीं होगा तो स्ट्रांग होगा। अब सिपाही है तो ये स्ट्रांग ही होगा, पर उस पर बहुत सारी खड़ी लाइनें चल रही, ये इनको चिंतित स्वभाव की ओर इशारा कर रही है। इनका स्वभाव चिंता में रहने वाला स्वभाव रहेगा इनका। अब इनकी शादी की 32 साल इनको हो गए और अभी तक इनकी शादी हुई नहीं है, तो इनकी शादी का योग कब है वो भी देखते हैं। इनकी शादी लगभग 35-36 के आसपास होनी चाहिए। अब चलते इनके भारी मंगल की ओर। भारी मंगल उतना उभरा हुआ नहीं है, दबा हुआ है, यानी मध्यम है। तो व्यक्ति जब किसी से मिलता है तो एनर्जी के साथ नहीं मिलता, पहले अगले को चेक करता है, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ता है, उसमें भरोसा बैठता है। तो इस तरह का स्वभाव इनका होगा। चंद्र पर्वत है, बहुत बड़ा इलाका लिए हुए, पर यहाँ से एक थोड़ी सी दब रही है, चंद्र पर्वत थोड़ा सा दब रहा है। तो ऐसे लोगों में बातें करने की प्रथा ज़्यादा रहती है जीवन में। और एक जीवन रेखा से ये जो रेखा जा रही है, ये या तो इनको दूर रखेगी या ये विदेश जाने आने के अच्छे खासे मौके इनको जीवन में देगी। पर ये 99% व्यक्ति को जिस तरह से उनकी साइनें दिख रही है, तो इनको विदेश में जाने के अच्छे खासे अवसर मिलने वाले। अब चलते हैं इनके शुक्र पर्वत पर। शुक्र पर्वत पर मुझे कोई खामी नहीं नज़र आ रही है, तो शुक्र पर्वत अच्छा खासा है, स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा इलाका ले नहीं रहा है, पर जितना है वो अच्छा है। अब चलते इनकी हार्ट लाइन की ओर। हार्ट लाइन का रूप देखे तो यहाँ से शनि पर्वत से शुरू होकर ये आगे बढ़ रही है और यहाँ पर डबल हो रही है। तो ये लोग शरीर इनका इस तरह की जब हार्ट लाइन होती है तो शरीर उनका एक जगह पर रहता है कहीं पर भी गए, पर आत्मा कहीं और रहती है, यानी दिमाग कहीं और रहता है। इस तरह का स्वभाव होता है उनका, उस जगह का आनंद नहीं ले पाते, कहीं ना कहीं इस तरह का बोझा लेकर चलते ये लोग जीवन में कि उस चीज का आनंद नहीं ले पाते। कोई ना कोई टेंस इनके जीवन में बना रहता है, और कहीं परिवार में दिमाग होगा या कोई कार्य क्षेत्र में दिमाग होगा, उस स्थल का मजा नहीं ले पाते, और कोई ना कोई बोझा इनके जीवन में हमेशा रहता ही है इस तरह की हार्ट लाइन वालों को। और इसमें से एक जो शाखा निकल रही है ये इनके गुरु पर्वत पर जा रही है, तो ये आदर्शवादी नेतृत्व विचारधारा की ओर इशारा कर रही है। और इनकी जो हार्ट लाइन है वो शनि पर्वत से शुरू हो रही है, तो पैसा भी इनके जीवन में महत्व का है, यानी 2400 घंटे इनके मन में पैसा भी घूमता होगा और साथ में आदर्शवाद भी रहता होगा, तो ये मिक्स क्वालिटी इनमें होगी। अब चलते इनके माइंड लाइन पर। माइंड लाइन देखे तो यहाँ से शुरू होकर जीवन रेखा से यहाँ स्टॉप हो रही है, और यहाँ की एक और शाखा और यहाँ पे एक शाखा। तो ये क्या दिखा रही है? एक तो माइंड लाइन छोटी होती है तो व्यक्ति बुद्धि तो अच्छी खासी होती है, पर एक सर्टन लेवल का दबाव ही व्यक्ति सहन कर पाता है, इसके आगे फिर वो विस्फोटक हो जाता है। और जब इस तरह से शाखाएं डिवाइड होती है तो व्यक्ति को कभी कभी नींद आने की तकलीफ होती है जीवन में, ये एक माइनस पॉइंट होता है। अभी फिलहाल इनके जीवन में वो प्रश्न नहीं है, पर भविष्य में कभी इनको ये प्रश्न आ सकता है। अब इनका मनी ट्रायंगल देखिए, ये भी काफ़ी बड़ा, यहाँ से यहाँ और ये इस तरह से पूरा बन रहा है, ओपन रह रहा है, खर्च ज़्यादा होगा, पर इतना बड़ा मनी ट्रायंगल बनना भी बहुत बड़ी चीज़ है। व्यक्ति के पास इनकम के अच्छे खासे स्रोत डेवलप होते हैं। अब इनकी जीवन रेखा को देखते हैं। जीवन रेखा अगर देखे तो ये लगभग 25-26 में एक पॉजिटिव बदलाव इनके जीवन में आया होगा, और इनकी जीवन की गाड़ी आगे बढ़ते बढ़ते इस तरह से आगे बढ़ रही है और एक शाखा इस तरह से जा रही है। अगर ये शाखा डार्क है और ये लाइट है तो व्यक्ति सदा के लिए विदेश में सेट हो जाता है, ये जीवन रेखा का ये फल मिलता है। और इनके पाम पर मुझे फिलहाल फोटोग्राफ में ये लाइन डार्क दिख रही है और ये टाइम लाइन, यानी इनकी दिशा भले आज ये सैनिक है, सिपाही है,
पर मुझे नहीं लगता ये ज्यादा दिन इस जॉब में रह पाएंगे, या सेना के ओर से ही कोई ऐसा कार्य मिले जो विदेश में सेटल होता हो। कोई ना कोई जीवन में ऐसा परिवर्तन इनके आने वाला है जो इनको विदेश की ओर लेकर जाएगा, क्योंकि मछली की साइन भी है, इनकी फेट लाइन भी विदेश से धन प्राप्ति की ओर इशारा कर रही है, तो बहुत सारी चीजें उस तरफ इशारा कर रही है। अब इनकी फेट लाइन को देखते हैं, यहां से अच्छी खासी फेट लाइन यहां चली और इनके जीवन में खुद की कमाई शुरू हुई लगभग 24-25 के आसपास से, और इनकी फेट लाइन आगे बढ़ते बढ़ते इस तरह से आगे बढ़ रही है, और एक साथ में सेकेंडरी फेट लाइन भी चल रही है, यानी मल्टीपल इनकम के स्रोत इनके जीवन में क्रिएट होने वाले हैं, और वो होंगे लगभग 40 के आसपास, 40-45 के आसपास से मल्टीपल स्रोत शुरू होंगे। और अभी इनका वर्तमान समय चल रहा है ये यहाँ पर, अभी ये यहाँ पर संघर्ष वाला पीरियड दिख रहा है, क्योंकि इनकी जो फेट लाइन है वो फेडेड है, यानी इतनी स्ट्रांग नहीं है, पर जैसे 35 साल लगेंगे इनकी फेट लाइन स्ट्रांग हो रही है और इनके पास इनकम के स्रोत बढ़ेंगे। तो इस तरह की इनका जीवन चल रहा है, और जिस तरह का मनी ट्रायंगल है, ह्यूज लेवल की इनकम इनके पास आने वाली है। अब वो कैसे आएगी वो समय बताएगा, पर ये एक सैनिक का हाथ नहीं लगता। आज भले ये सैन्य में काम करते हो, पर कोई ना कोई बहुत बड़ा मोटा बदलाव इनके जीवन में आएगा, इस तरह से इनके पाम को देखकर लग रहा है। आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों का जवाब इनको मिल गया होगा, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।